कि आप लोगों को पता है कि हम सिर्फ दो कलर से पेंटिंग कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को मेरी ये बात सुनकर हैरानी हो रही है कि सिर्फ दो कलर से पेंटिंग। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूँ कि हाँ, हम दो कलर से पेंटिंग कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप सबसे पहले देख सकें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अक्रोमेटिक कलर ऑलरेडी कर रखा है, एंड अक्रोमेटिक कलर में मैंने फर्स्टली पहले सर्कल किया, उसके अंदर एक और सर्कल बनाया। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसको ट्राई करें तो आप इसी शेप में करें, आप किसी भी शेप में कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। बस आपको लाइट टू डार्क जाना है, डार्क टू लाइट जाना है। एंड मैं आपको दो तीन चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, प्लीज़ उसे लिख लीजिए। वैल्यू किसे कहते हैं? द डिग्री ऑफ लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ ह्यू। ह्यू किसे कहते हैं? आपको काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, एच यू ई यू। यू को हम कलर बोलते हैं। सो द डिग्री ऑफ लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ ह्यू मतलब किसी भी कलर की लाइटनेस से डार्कनेस। ओके, और शेड किसे बोलते हैं? ह्यू प्रोड्यूस बाय एडिंग ब्लैक मतलब जिस किसी भी कलर में अगर हम ब्लैक ऐड करते हैं तो हम उसे शेड बोलते हैं। ओके, एंड टोन किसे कहते हैं? ह्यू प्रोड्यूस बाय एडिंग ग्रे। अगर हमारा ग्रे कलर आता है तो उसे हम टोन कहते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या बोलना चाहती हूँ। ये इसमें हमारा वैल्यू, शेड एंड टोन, ये तीनों चीज़ें आएंगी। सो इसमें मैंने एक पेंटिंग भी बनाई है, सो मैं आपको वो शो कर देती हूँ। दिस इज़ वर्क, ये मैंने कल किया था। तो ये आपको कैसा लगा? इसमें मैंने सिर्फ दो कलर इस्तेमाल किए, ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही बनाएं। आप फर्स्टली ये ट्राई करें एंड आफ्टर आप इसे ट्राई करना, तब आपका बेटर बनेगा। और कुछ भी बना सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कि यही बनाना है, कुछ भी बना सकते हो। सो मैं आपको इसको और अच्छे से दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वर्क कैसा लगा? सो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो हाउस के बगल में है, थोड़ा आपको वीडियो में आवाज़ ज़रूर आएंगी, उस टाइम माफ़ी चाहती हूँ, वो आवाज़ कभी ख़त्म होगी ही नहीं, तो मुझे इसी उसमें वीडियो अपनी बनानी पड़ेगी। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये हमें ब्रश से करके क्यों नहीं बता रही है, ऐसा जो भी है कुछ आर्टिस्टों को लग रहा होगा। तो मैं आपको बता दूँ, काफ़ी इजी है। और मैं आपको, आपने देखा होगा कि मेरी पिछली वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और ये कुछ नहीं है, ब्लैक एंड वाइट टोन है, जो आप नॉर्मली से जानते भी होंगे, ब्लैक है, ब्लैक में मैंने थोड़ा वाइट ऐड करते करते ये पूरा वाइट आ गया, फिर वाइट पूरा प्योर वाइट लिया मैंने उसमें करते करते कि मेरा पूरा शेड और टोन आ गया। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो तभी आप इस तरह से वर्क कर पाएंगे। और प्लीज़ इसे घर पे ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।